कौन से ऐसे स्नीकर्स है जिसे आप एन नंबर ऑफ आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो जो टाइमलेस होते हैं एंड बहुत ही अच्छे दिखते हैं? येस, दैट इज अ पेयर ऑफ वाइट स्नीकर। बट बहुत सारे लड़कों को इस चीज़ को लेकर दिक्कत होती है कि कौन सा पीस एक्चुअल में लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स है, इतने सारे वेरियंट्स है। Someone please explain to me what the hell is going on? डोंट वरी गाइज, आज की वीडियो में जितने भी व्हाइट स्नीकर्स हैं दे आर टोटली वर्थ इट। हे एवरीवन, माय नेम इज सोमनाथ सत्पति, वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ डिको स्टाइल। गाइस, आज की वीडियो है टॉप 5 बजट व्हाइट स्नीकर्स के ऊपर, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वेल गाइस, स्टार्ट करते हैं स्नीकर नंबर 5 से, व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड चेडन। आई एम श्योर गाइज, आपने इंस्टाग्राम पे हाइप स्टोर एंड इस पर्टिकुलर ब्रांड के बहुत सारे स्नीकर्स के वीडियोस देखे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा आई शुड गिव इट अ शॉट। तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस स्नीकर को लेकर, इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि जो पैकेजिंग है वो बहुत मस्त तरीके से की गई है। यूजुअली 1000 के नीचे जो स्नीकर्स होते हैं उनमें इस टाइप की प्रीमियम पैकेजिंग देखने को नहीं मिलती, सो आई वॉज क्वाइट अमेज्ड। एंड इसका जो कलर कोऑर्डिनेशन है जो बॉक्स का, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आई लव इट। येलो कलर दूर से फोकस मारता है, पर ऑब्वियसली गाइज बॉक्स को तो पहन नहीं सकते, तो स्नीकर्स देख लेते हैं। सो गाइज, दीज आर द स्नीकर्स, ब्राइट व्हाइट कलर के शेड में है एंड इसका जो ओवरऑल शेप है वो बल्कियर साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका एक बेनिफिट यह है कि इसे आप स्ट्रेट फिट या रिलैक्स फिट कार्गोस या जीन्स के साथ आराम से पेयर कर सकते हो। डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा, इस फॉक्स लेदर से बनाया गया है जो कि भाई सिंथेटिक लेदर होता है एंड जिसका जो सोल वाला पार्ट है उसमें पीवीसी यूज़ किया गया है। देन इसकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से कुशनिंग की गई है, बहुत अच्छे से स्पॉन्ज वगैरह डाले गए हैं, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। एंड इसके पीछे की तरफ आपको एक ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही मिनिमल दिख रहा है एंड इसके सोल के नीचे भी एक ब्रांडिंग की गई है डिफरेंट कलर में जो कि बहुत ही यूनिक दिख रहा है। बट एक चीज़ मुझे दिक्कत लगी कि इसका जो टंग वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि वहाँ पे फिनिशिंग उतनी अच्छे से नहीं की गई है। यू सी गाइस, अगर स्नीकर्स के अंदर कोई भी मटेरियल लूज होगा उसे अच्छे से स्टिचिंग नहीं की जाएगी या फिर उसे ग्लू से अच्छे से चिपकाया नहीं जाएगा, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग सकती है। अदर देन दैट, ओवरऑल मुझे शूज काफ़ी अच्छे लगे एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसके फुटबेड में जो कुशन डाला गया है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा अदर देन द माइनर डिटेल। एंड इसे मैंने कैसे ऑर्डर किया था मेरे रेगुलर साइज में, दैट इज़ 7, तो अगर आप इसे ले रहे हो वो ही रेगुलर साइज। मूविंग ऑन टू द स्नीकर नंबर 3, व्हिच इज़ फ्रॉम द ब्रांड हाईलैंडर। आई एम श्योर आपने हाईलैंडर के स्नीकर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे एंड इनके जो स्नीकर्स होते हैं ये उस चीज़ को जस्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि यार जिस प्राइस रेंज में ये जिस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं उनके सारे स्नीकर्स में, दैट इज टॉप नॉच। ये वाले जो पर्टिकुलर स्नीकर्स है गाइस, इट्स ए कलर ब्लॉक स्नीकर, व्हाइट एंड लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, बट सिर्फ इसके अंदर की तरफ एंड स्नीकर्स के बहुत कम पार्ट में लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये एक सेकेंडरी कलर की तरह काम कर रहा है, नॉट एज ए पॉपअप कलर। देन इसका जो सिलोवेट है, जो शेप है, उसे भी मैं स्लिम कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि थोड़े से बल्कि दिख रहे हैं, मतलब इसे आप रिलैक्स फिट एंड बैगी फिट पैंट्स के साथ पेयर नहीं कर पाओगे, बट स्ट्रेट फिट एंड रेगुलर फिट पैंट्स के साथ ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। इसके पूरे बॉडी में सिंथेटिक लेदर यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छे से स्पॉन्ज वगैरह डाले गए हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम्फर्टेबल फील होता है। देन इसका जो फुटबेड का जो कुशन है वो भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है। सो ओवरऑल अगर मैं स्नीकर्स के बारे में बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी सॉलिड एंड इसके अंदर की तरफ बाहर की तरफ स्टिचिंग का जो डिटेल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छे से किया गया है, जो फिनिशिंग जिसे कहते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ जिस रेंज में ये मिल रहा है, मतलब 600 रेंज में अभी ये मिल रहा है, तो उस रेंज में इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, इसका जो ओवरऑल लुक है, दैट इज अमेजिंग। अगर आप कोई ऐसे कलर ब्लॉक स्नीकर्स ढूंढ रहे हो जो थोड़े से सटल हो, जो ज़्यादा लाउड ना हो, देन गाइस इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसे भी गाइस मैंने ऑर्डर किया था मेरे रेगुलर साइज में, दैट इज साइज 7, तो अगर आप इसे ले रहे हो वो इसे रेगुलर साइज। मूविंग ऑन टू द स्नीकर नंबर 3, व्हिच इज द ऑल टाइम क्लासिक स्नीकर, दैट इज पार्क्स SM323। पार्क्स के जितने भी स्नीकर्स होते हैं गाइस, उनकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, वो ड्यूरेबल होते हैं, देन उनका ओवरऑल लुक अच्छा होता है एंड वो कंफर्टेबल भी होते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर स्नीकर का जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का है, ब्लैक कलर की डिटेलिंग की गई है दोनों तरफ एंड इसके पीछे भी ब्लैक कलर की ब्रांडिंग की गई है, जो बहुत ही सटल एंड बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है। यू सी गाइस, ब्लैक डिटेलिंग का एक फायदा यह है कि ये आपके आउटफिट में जो ब्लैक कलर के दूसरे एलिमेंट्स होंगे, टी शर्ट या फिर वॉच वगैरह, ये उन्हें बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड इसका डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी इज वेरी सॉलिड, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड जो पूरी बॉडी है उसमें सिंथेटिक लेदर यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छे से कुशनिंग की गई है पूरे बॉडी में एंड फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसके अंदर की तरफ स्टिचिंग डिटेल्स वगैरह सब बढ़िया है एंड इसके फुटबेड में भी बहुत ही अच्छे से कुशनिंग की गई है,
एंड इसके सोल के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से टेक्सचर यूज किया गया है, ग्रिप जो आपको मिलेगा एक थोड़ा सा हैवी वेट लगा मुझे ये स्नीकर्स, बट अदर देन दैट ओवरऑल जो इसका डिटेल्स, ओवरऑल जो इसका फिट है वो मुझे काफी अच्छा लगा। यू सी गाइस ये एक ऐसा स्नीकर है जिसे आप एंड नंबर ऑफ आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो, इसे कैजुअली पहन सकते हो, देन इसे एक स्टेटमेंट पीस की तरह यूज कर सकते हो ऊपर ऑल ब्लैक पहन के। तो अगर आप कोई ऐसे व्हाइट स्नीकर ढूंढ रहे हो जिस पर थोड़े से डिटेलिंग एंड पैटर्न्स वगैरह हो, आपको एकदम प्लेन वाले व्हाइट स्नीकर्स नहीं चाहिए, इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो गाइस। इसे मैंने मेरे रेगुलर साइज में ही ऑर्डर किया था, दैट इज साइज 7। तो अगर ले रहे हो इसे वो ही थी रेगुलर साइज। देन गाइस सेकंड नंबर पे जो स्नीकर्स है इट्स फ्रॉम द ब्रांड हाईलैंडर, ऑफ व्हाइट कलर के शेड में है ये पर्टिकुलर स्नीकर्स, एंड इसका जो ओवरऑल शेप है वो एकदम स्लिम टाइप का है। इसके दोनों तरफ स्टिचिंग से लाइंस बनाए गए हैं जो कि एक एलिमेंट ऐड कर रहा है स्नीकर्स में, एंड इसका जो ओवरऑल लुक है दैट इज वेरी सटल। यू सी गाइस इसे सेकंड नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीजन है ये बहुत ही लाइट वेट है ये स्नीकर्स, लिटरली आपको फील नहीं होगा आपने कोई स्नीकर्स वगैरह पहने हैं, बट लाइट वेट है तो ये मत सोचना कि इसमें कुशनिंग वगैरह यूज नहीं किया होगा, बहुत ही अच्छे से अंदर स्पॉन्ज वगैरह डाले गए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लगा मुझे ये पहनने के बाद, एंड इसके पूरी बॉडी में भी सिंथेटिक लेदर का यूज किया गया है। यू सी गाइस सिंथेटिक लेदर के जितने भी स्नीकर्स होते हैं उन्हें क्लीन करना बहुत ही ईजी होता है एंड बहुत ही अच्छे दिखते भी हैं। सो ये वाले जो पर्टिकुलर स्नीकर्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये इस टाइम पे 600-700 की रेंज में अवेलेबल है। सो मेरे हिसाब से दैट इज अ ग्रेट प्राइस पॉइंट। इसे गाइस आप जितने भी स्लिम फिट एंड रेगुलर फिट टाइप के आउटफिट्स है उन सभी के साथ पेयर कर सकते हो, एंड स्पेशली अगर आप कॉलेज में हो देन ये वाले स्नीकर्स आपके बजट में मेरे हिसाब से एकदम फिट बैठेंगे, क्योंकि बजट के हिसाब से जो क्वालिटी मिल रही है दैट इज वेरी अमेजिंग। तो अगर आप एकदम मिनिमल सटल टाइप का कोई एकदम प्लेन व्हाइट स्नीकर ढूंढ रहे हो इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसे गाइस मैंने ऑर्डर किया था मेरे रेगुलर साइज में एंड ओवरऑल फिटिंग एकदम परफेक्ट है। मूविंग ऑन टू द बेस्ट स्नीकर ऑफ टुडेज लिस्ट दैट इज स्पार्क्स SM734। इसे गाइस पहले नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीजन है इसका कंफर्ट लेवल, बहुत ही अच्छे से कुशन्स यूज किए गए हैं इसके पूरे बॉडी में, सिंथेटिक लेदर से बनाया गया है इसे भी, एंड इसमें जो स्टिचिंग एंड डिटेल्स वगैरह किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब फिनिशिंग एकदम अच्छे से किया गया है। एंड इसके अंदर की तरफ भी गाइस आपको इसके फुटबेड में एक बहुत ही अच्छा कुशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। देन इसके डिजाइन की अगर मैं बात करूं जो इस तरीके से डॉटेड करके बनाया गया है वो काइंड ऑफ यूनिक लगा मुझे, एंड इसका जो सोल वाला पार्ट है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड इसके नीचे की तरफ आपको एक टेक्सचर मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर स्नीकर्स मुझे काफी लाइट वेट लगा कंपेयर टू द स्पार्क्स SM323, एंड इसके पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पे ब्रांडिंग किया गया है वो भी ग्रे कलर में जो कि बहुत ही मिनिमल एंड सटल दिख रहा है। इसे गाइस आप काफी सारे आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो बट नॉट विथ रिलैक्स फिट और बैगी फिट, क्योंकि इसका शेप उतना बल्की नहीं है, तो जितने भी स्लिम फिट, रेगुलर फिट एंड स्ट्रेट फिट कपड़े हैं उनके साथ ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अगर आप कोई एकदम प्लेन व्हाइट स्नीकर्स ढूंढ रहे हो एंड आपका बजट अराउंड 800 है इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो गाइस। इसे भी मैंने ऑर्डर किया था मेरे रेगुलर साइज में एंड इसका जो ओवरऑल फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट है, सो वो ही थी रेगुलर साइज। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।